ऑस्ट्रेलिया को एक ही टीम भेज सकती है, उसका नाम है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के अबू भी आ जाते, ये मैच नहीं लेकर जा सकता। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने फेंटी लगाई है मेजर स्टार की। इंडिया हैज इस तरह खेलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे खेलना चाहिए था, मारना चाहिए था, और मारा है और गुस्सा निकाला उन्होंने अपना, और ठीक गुस्सा निकाला है। बेटा इंडिया से पंगा नहीं है चंगा, नहीं पंगा लेना ऑस्ट्रेलिया वालों, आइंदा कभी इंडिया से। वो 25 करोड़ वाले स्टार की कैसी बैंड बजाई रोहित शर्मा ने, स्टार को बताया बेटा मैं बापू क्रिकेट का, मैं रॉ सुपर हिटमैन शर्मा हूँ। रोहित शर्मा ने तो उनकी धोती उतार के ना नंगा नाच नचाया नचाया। वो ऑस्ट्रेलिया के साथ नस्ले भी आ जाए ना, तीन तीन बारियां भी ले लें तो नहीं चेस कर सकते। ओ भाई इंडिया ने उसकी पिद्दी निकाल के रख दी ऑस्ट्रेलिया की। T20 फॉर्मेट बना ही इंडिया के लिए है यार, ये सिर्फ इंडिया के लिए बना है, और कोई मुल्क नहीं पास बचता इंडिया के। ऑस्ट्रेलिया के जाके कहो के भाई इंडिया बाप है इस गेम का। ऑस्ट्रेलिया वालों अभी भी तुम्हारे पास मौका है भाई, मांग लो माफी इंडिया से। पकड़ गए ऑस्ट्रेलिया को, वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया। धमकियां दे रहे थे ये वो मिचेल मार्श, फुदर कह रहा था कि इंडिया को पेलना तो हमारे लिए बाइजी है, निकल ऐसी की तासी तेरी बात। पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को एक टीम पेल सकती है, उसका नाम है इंडिया। के ऑस्ट्रेलिया के फादर साहब भी आ जाए ना, ऑस्ट्रेलिया के अबू जान भी आ जाए ना, ऑस्ट्रेलिया के अबू भी आ जाए, ये मैच नहीं लेकर जा सकता। क्योंकि आज हिट मैन ने जो मारा पकड़ के, मैं कहता हूं जो मिचेल स्टार को पकड़ के मारा उसने, मिचेल स्टार के कैरियर पे दाग लगा दिया। अगर कोई मिचेल स्टार की विकेटों की बात करेगा तो इसकी भी बात करेगा कि मिचेल स्टार को उसकी पीक पे रोहित शर्मा ने एक ओवर में 29 रन मारे थे। मिचेल मार्श 2% के डड्डू, तू कह रहा था ना कल कि इंडिया को हराना हमारे लिए इजी है, इंडिया से बेहतर अपोनेंट हमें मिल ही नहीं सकता। तो बैठो फिर, तो देख लो फिर, इंडिया ने 19 नवंबर का बदला नहीं लिया आपसे, उन्होंने पकड़ के आपको बजाया, वर्ल्ड कप से बाहर किया, और घंटा बजा दिया पकड़ के, निकलो बाहर हंसी की तासी। देख लिया फिर इंडिया का कमाल, देख लिया फिर रोहित शर्मा का गुस्सा, देख लिया फिर हर्षदीप सिंह का गुस्सा, बुमराह का गुस्सा, कुलदीप यादव का गुस्सा। और सिर्फ ट्रेवर्स हेड को अंदर से माइनस करो तो एल करने आए हुए थे इस मैच में। अभी को अभी पाकिस्तान में ये बात होंगी, अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, कुछ घंटे कुछ 2% के आगे बात कर रहे हैं कि मैच फिक्स है। बेटा हर कोई पाकिस्तान टीम की तरह नहीं होता, हर कोई पाकिस्तान टीम की तरह नहीं होता कि मैच फिक्स कर ले, हर कोई पाकिस्तान टीम की तरह तो नहीं ना कि मैच फिक्स करके बैठ जाए। दिस इज इंडिया, और इंडिया अगर किसी पे गुस्सा निकाले ना तो वो हाल होता है जो आज ऑस्ट्रेलिया का हुआ है। रोहित शर्मा की बैटिंग, मेरे घंटे निकलो बाहर ना, ये होती है T20 क्रिकेट, इसे कहते हैं टीम वाइज परफॉर्मेंस। पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम घंटे की टीम है, हमारे से हजार गुना बेहतर अफगानिस्तान हो चुका है भाई, हमारे चेहरे पे लानत भेजी जा रही है, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट हमारा मजाक उड़ा रहा है। वो कौन है, यूए का लड़का अली खान, वो यूए का लड़का अली खान हमारा मजाक उड़ा रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान को पहलना हमारा हमारे बस में था। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने फेंटी लगाई है मेजर स्टार की, क्या उसने मारा है। मेरा दिल कह रहा था कि 150 करता आज रोहित शर्मा, क्योंकि कप्तानों की नीयत ऐसी होती है, कप्तान ऐसे ही होते हैं, सेल्फलेस होकर खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, जीतना जानते हैं, करना चाहते हैं। रोहित शर्मा की इंटेंट पिछले साल से यही रही, उसने मेरे रिकॉर्ड शॉट सारे साइड पे कर दिए। वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा आपने किया है, ये वर्ल्ड कप आपका होना चाहिए, वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में रहना चाहिए, और आपको ही जीतना चाहिए था पिछला भी और ये भी, आप डिज़र्व करते हैं, 100% डिज़र्व करते हैं। सो इंडिया हैज इस तरह खेलना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे खेलना चाहिए था, मारना चाहिए था, और मारा है और गुस्सा निकाला उन्होंने अपना, और ठीक गुस्सा निकाला है। आई थिंक द वर्ल्ड कप इज़ योर्स, जस्ट वन मोर गेम आफ्टर दिस एंड देन द फाइनल sitting on the plate for you, take it, enjoy it, Rohit Sharma deserves it because iski intent niyat bahut saaf hai iski।
इंडिया ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया है, वर्ल्ड कप का बदला लेके रख दिया, सूद समेत वर्ल्ड कप का बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया के टुलर्स है, पूरे केंगरूज का पकड़ के घंटा बजा दिया है, उनकी बैंड बजा दी है यार, दिल खुश करके रख दिया, इस तरह से खेलती है टीमें। और बाबर घंटे ऐसे बदला लेते हैं, ऐसे अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराते हैं, उनकी बैंड बजाते हैं, उनकी बत्ती गोल करते हैं, उनको छठी का दूध पिलाते हैं, उनको नानी याद कराते हैं, बेटा इंडिया से पंगा नहीं है चंगा, नहीं पंगा लेना ऑस्ट्रेलिया वालों, आइंदा कभी इंडिया से जब वर्ल्ड कप वाली तुम लोगों को याद होगी कि भाई इंडिया ने हमारा ऐसा हशर किया था, ऐसा हशर किया था, रोहित शर्मा ने हमें वो मारी थी, वो हमारा घंटा बजाया था कि भाई इनकी माएं बोलेंगी आइंदा बेटा सो जा, मैक्सवेल के बच्चे बोलेंगे सो जा मैक्सवेल, रोहित शर्मा आ जाएगा, ट्रेवस हेड के बच्चे बोलेंगे सो जा भाई नहीं तो बुमराह आ जाएगा, कुलदीप यादव आ जाएगा, पूरी इंडियन टीम ने इनका घंटा बजाया है, ये नहीं है किसी एक की ब्रिलियंस आ गई तो इसे आउट कर लेते हैं तो हम अच्छा कर लेते हैं, भाई पहले रोहित शर्मा ने अच्छी हंसी करके ठुकाई करी, हार्दिक पांड्या ने फिनिश किया, सूर्य कुमार यादव ने केमियो खेला, वो 25 करोड़ वाले स्टार की कैसी बैंड बजाई रोहित शर्मा ने, स्टार को बताया बेटा मैं बाप हूं क्रिकेट का, मैं रॉ सुपर हिटमैन शर्मा हूं, और हम सब कह रहे थे कि भाई इनसे बदला लेना है, और रोहित शर्मा ने प्रॉपर पहली इनिंग में भी मैंने बोला था ये बदले की आग लगी थी रोहित शर्मा ने, रोहित शर्मा में बदले की आग लग रही है कि भाई अब एक अंदर आग सुलग रही होती है ना, इस बार तो इनको नहीं छोड़ना, इस बार तो इनका घंटा बजा के रखने, और वो ही रोहित शर्मा ने करके दिखाया। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह तो वर्ल्ड कप में किसी से भी नहीं खेला जा रहा यार, ये बॉलर है कि क्या है, मतलब के इसके हाथ में जादू है मैजिक है, ये क्या है यार, ये क्या चीज है, मतलब इसको तो खेला ही नहीं जा रहा किसी से यार, आप देखो वो ट्रेवस हेड टुल्ला चल रहा था, जैसे ही जसप्रीत बुमराह आया उस बेचारे से लगी ना उसकी ऐसी बैंड बच के रहेगी, स्पिनर्स को ये स्वीपे मारने वाले थे, स्पिनर्स को ये करने वाले थे, कुलदीप यादव ने कैसी इनकी बैंड बजाई है, फिर आप अक्षर पटेल का वो कैच देखो यार, नीचे घास भी नहीं है यार, नीचे मिट्टी है, वो बंदा लेफ्टी है फिर भी वो राइट हैंड से जिस तरह से कैच पकड़ रहा है यार, आप इमेजिन करो ऐसे पाकिस्तानी घंटा, ये 350 किलो के हाथी, ये $25 में बिकने वाले घंटे ऐसे कैचेस पकड़ सकते हैं, ऐसी रोहित शर्मा जैसी बारियां खेल सकते हैं, कहते हैं हम घर नंबर वन हूं, मैं किंग हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अरे देखो इंडिया को यार, रोहित शर्मा ऐसी बारी के बाद भी नहीं बोलेगा मैं किंग हूं, 7 चौके और 8 छक्के और साथ 224 का स्ट्राइक रेट, भाई मैं तो भाई पहली बार ऐसी इनिंग देख रहा हूं 224, रोहित शर्मा ने तो इनकी धोती उतार के ना नंगा नाच नचाया नचाया, बट ऊपर से पांड्या नहीं बख्श रहा यार स्टोनिक जैसे बॉलर को, ऑस्ट्रेलिया वालों अभी भी तुम्हारे पास मौका है भाई, मांग लो माफी इंडिया से, इंडिया के आगे ऐसे हाथ जोड़ लो उनसे माफी मांग लो अभी मौका, वरना ये लोग बड़ा धोएंगे भैया, कच्चा खा जाना, ब्लैटर सीरीज भी होगी ना उसमें भी बड़ा मारेंगे भाई, टूर्नामेंट में बड़ा मारेंगे, बस हारने जितने इंडिया ने टूर्नामेंट हारने थे हार लिए, अब आगे जीती है ऑस्ट्रेलिया वालों मांग लो माफी, ऑस्ट्रेलिया के साथ नस्ले भी आ जाए ना, 3-3 बारियां भी ले लें तो नहीं चेस कर सकते, ओ भाई इंडिया ने उसकी पिद्दी निकाल के रख दी ऑस्ट्रेलिया की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग यार, बाकी ये डिजर्व करता है हैट्स एंड सैल्यूट यार रोहित शर्मा को यार, बाकी यार ये बाकी कप्तानी के भी काबिल है और हिटमैन के भी काबिल है यार, सर रोहित शर्मा ने आज ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को मार मार के दुर्गत बना दिया, उनकी T20 फॉर्मेट बना ही इंडिया के लिए है यार, ये सिर्फ इंडिया के लिए बना है, और कोई मुल्क नहीं पास बचता इंडिया के, ये गेम बनी इंडिया के लिए, मैं तो कहता हूँ T20 ODI टेस्ट आगे जितने भी फॉर्मेट होंगे ऑस्ट्रेलिया के जाके कोप के भाई, इंडिया बाप है इस गेम का, वन डे टेस्ट और T20 भाई ये सब इंडिया के फॉर्मेट, अब आगे जितने भी फॉर्मेट आएंगे ना तो वो भी इंडिया डोमिनेट करेगी, ऑस्ट्रेलिया से पिछले साल बदला नहीं है, इस बार सबसे बड़ा बदला लेंगे ऑस्ट्रेलिया से भाई, वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का और ODI वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा बदला लेंगे हम लोग, रोहित शर्मा ना पर्सनल हो गया था, अगर रोहित शर्मा आउट ना होता ना इसने अकेले ने 200 कर लेना था यार, इसने 41 बॉलों में 92 यार, रोहित शर्मा ने ना ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को बल्ली का बकरा बना दिया, इनकी शक्लें देखने वाली थी, रोने वाले थे यार इनको, ये लोग कह रहे थे कि भाई दोबारा हमें ना ODI फॉर्मेट में लेके जाओ, लेकिन भाई अब ODI फॉर्मेट भी इंडिया का है भाई, बस हार गई थी इंडिया जो हारना था, अब इनको डोमिनेट करेगी भाई ऑस्ट्रेलिया साथ जो आज हो रहा है ना यार, ये सारे बदले ले रहा है भाई रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा इनके साथ पर्सनल है, रोहित शर्मा की पर्सनल इनकी रोहित शर्मा की ना पर्सनल इनके साथ ना जो होता नहीं वो बुगस जो होता है वो है इनके साथ ही, लड़ा उसको जब ये सोए होंगे ना इनको पता था यार रोहित मैन आया था यार उसने इतना मारा
के मैं भाई गली कर दिया। ओ भाई बस कर दो, और जो आज हो गया ना हिटमैन नाम इसलिए नहीं बना हुआ, ये इंडिया टीम को ये क्रेडिट है और इंडिया टीम को ये एजाज मिला हुआ है, ये इंडिया टीम ही कर सकती है, अदरवाइज और कोई भी टीम ना इस काबिल नहीं है कि इतने बड़े छक्के और स्टार्ट में इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग। यार यकीन मानो मुझे तो पहले क्या लग रहा था कि आई थिंक यार रोहित शर्मा जिस तरह मार रहा है ना, आई थिंक ये वर्ल्ड कप वाला दोबारा ना सिनेरियो लाएगा, ये आउट हो जाएगा। बट यार उसने पहले दूसरे ओवर में मिचेल स्टार को जिस तरह के छक्के मारे उधर से तो मैं कहता भाई इसने तबाही मचा दी है। तो बड़ी पड़ गया रोहित शर्मा, हिटमैन बड़ी पड़ गया, तो हिटमैन ने आपको इतना मारा कि आपके बॉलर तक रो रहे हैं कि यार हमने किया बैट का मिस को नहीं छोड़ा, मिचेल स्टार को नहीं छोड़ा, स्टोनी को नहीं छोड़ा, मार मार बंदर कर दिया यार।